नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनटी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता मेस्को कॉलेज के इंतजामिया की लापरवाही की आज एक खबर मिली है कि इम्तिहानात के मौके पर बी फार्मेसी के करीब 15 स्टूडेंट्स को हॉल टिकट्स नहीं दिए जाने की वजह से आज तुलबा ने अहाते में जबरदस्त धरना मुनज्जम किया। इस मौके पर इंतजामिया ने बताया कि इस सिलसिले में कॉलेज के लोग 3 माह पहले ही अदालत से रुजू हुए थे, लेकिन इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं मिला है। ऐसे माहौल में शायद इन तुलबा को बदकिस्मती का सामना करना ही पड़ेगा और शायद उनका एक साल भी बेकार चला जाएगा। सुनहरी तेलंगाना है ना, लिहाजा सब चलता है। मैडम क्या बोल रहे, सप्लीमेंट्री लिखो बोले लोग, क्या बोल रहे हैं मैडम आप? आइए मैम, मीडिया में आप बोल रहे ना, फिर आप बोलो क्या बोल रहे हैं सर? बोलिए 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 देखिए, 2 दिन से हम लोग हॉल टिकट के लिए फिर रहे हैं। कल सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक ठहरे हम लोग, कि हम लोग हॉल टिकट लिए बगैर नहीं जाएंगे यहाँ से। अब तो क्या हमको ये बोला गया कि आपके दादा ये बोले कि हमको आपके घर पे SMS आ जाता, आप लोगों के हॉल टिकट इश्यू हो गए, आपके हॉल टिकट ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं, कल आपको मिल जाता हॉल टिकट आके लेके चले बोल रहे हैं। एग्जाम के 2 घंटे पहले हमको ये बोल रहे हैं कि आपके ऊपर केस चल रहा है, आपका हॉल टिकट नहीं आया, हाथ ऊपर करके बैठ गए। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ऐसा कहते रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ एक साल से। उन लोग हमको एडमिशन लेते हो ये बोले कि 100 का इंटेक है हम लोग का, तो हम लोग इस बात पे एडमिशन लिया। हम लोग अभी हमको बोल रहे हैं कि 60 का इंटेक यहाँ की, बाकी के बच्चे क्या करना, हम लोग वो भी 20 नंबर में से निकाले, वो भी हम आपको 20 नंबर में से निकाले। बोलो बोलिए आप, बीच में से चढ़ा दिए हॉल टिकट। आप लोगों किस लिए नहीं दिए? हम लोग 87 सीट्स बोले, 72 अप्रूवल हुए बोल रहे, उसमें से कहीं को निकाले हम लोग को 60 के कैसा निकालते, हमारा कॉलेज अप्रूव करा हम आपको निकालने के लिए, मतलब निकाले लोग भी, और सब बोल रहे केस केस केस। कौन सा ऐसा केस है जो अपना खत्म ही नहीं हो रहा, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, केस चल रहा 100 सीट्स। स्टार्टिंग में कभी कुछ नहीं बोली कैसा केस था, कुछ था खाली हुआ बल्कि एग्जाम फीस के लिए 2-3 घंटे पहले बोला मेरे डैडी को चल यार जल्दी आओ, बल्कि बल्लापुरा से मेरे डैडी यहाँ पे फीस पे करने खाली, अब फी भी नहीं गई। कल मैं डेटा से नहीं मारी तो नॉट डेटा फाउंड बोल रहा मेरा रजिस्ट्रेशन एक ही चीज होना मेरा हॉल टिकट होना, अगर कल तक हॉल टिकट नहीं हुआ फिर मेरा एक्शन देख लो आप लोग। हॉल टिकट नहीं आता लोग सर, जी 15 बच्चों का हॉल टिकट नहीं आता, जिसके लिए यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और हम यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में कोर्ट में अपील कर रहे हैं। आज सुबह में ये केस नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन जज ने वादा किया है कि कल सुबह सुनेगा, इंशाल्लाह ये अल्लाह से उम्मीद है कि कल ये सेटल हो जाएगा मामला। मगर सर आज तो तारीख थी ना सर, आज तारीख थी, इससे कुछ नहीं होता क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, बच्चों को जो है ना सब्सिक्वेंटली इंस्टेंट एग्जाम लिखवा दे सकते हैं, और बाकी के जो अगर कल फैसला आ जाता है तो बाकी के जो एग्जाम्स हैं
उसमें वो लोग शरीक हो जाएंगे। ये जो सप्लीमेंट्री में दिलाने का जो वादा, सप्लीमेंट्री तो आगे की बात है, लेकिन इंस्टेंट एग्जाम होता है उसी में इंशाल्लाह वो लोग लिख सकेंगे। और फिर अगर कल अल्लाह के करम से उनके यानी कोर्ट का फैसला आ जाता है तो बाकी के जो एग्जाम्स हैं वो लोग 6 में से 5 एग्जाम वो लोग लिख सकेंगे। सर ये आपका केस आज ही बुक करे आप? नहीं, हम 3-4 महीने से ये चल रहा है। फिर विशाल चंद दिन पहले फीस लिए उनके बता रहे हैं। फीस एग्जाम फीस लेना पड़ता ना सर, फीस पूरों की यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ता है, वो टाइम पर हम भेजे हैं, सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए हैं सारे बच्चों के। कितने बच्चों की जिम्मेदारी जुमला आपने? हमारे परमिशन 100 बच्चों का है, हम 87 एडमिशन किए हैं। 87 में से फिर 15 भी नहीं आए? 87 में से ये 15 का प्रॉब्लम चला यूनिवर्सिटी के साथ, और इंशाल्लाह उसी के वजह से हम कोर्ट को गए हैं। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल ये हो जाएगा सेटल। थैंक यू।